This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. This video is just for knowledge purpose. दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये है अपने कल के मैच के रिजल्ट। ठीक है, मैं अपने चैनल की तारीफ खुद कभी नहीं करता, ठीक है, इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो हमारे पास मैच खत्म होने के बाद आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल हमारा वीडियो देखा, हमारी टीम देखी और हमारी टीम से मैच में बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों रिव्यूज के जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने है और यार ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट पड़े हैं कि आपको दिखाते दिखाते शाम हो जाए। दोस्तों आपको पता है कि आईपीएल में जो है वो टोटल 60 मैच होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि यार हमारे चैनल की टीम ले लेके आप पूरे 60 के 60 मैच नहीं देखो, 60 के 60 मैच नहीं जीतो, और ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आप चाहे अपनी टीम बना लो चाहे किसी और के ले लो, 60 के 60 आप मैच कभी नहीं जीतोगे। लेकिन जो बाकी के 50 मैच में आपको जिताऊंगा ना, वो डंके की चोट पर जिताऊंगा, और ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है कल के मैच में, क्योंकि यार मेरे को रिस्क लेना आता है, ठीक है, उसके लिए जिगरा चाहिए लेकिन मेरे को आता है रिस्क लेना। कल के मैच में मैंने पोलार्ड को आपकी टीम में रखवाया, मैंने खुद टीम में रखा और आपको भी बोला कि भाई पोलार्ड को अपनी टीम में रखो, जबकि किसी ने भी सोचा तक नहीं होगा कि भाई पोलार्ड ऐसी डोमिनेट पारी खेलेगा, लेकिन मेरे को पता था, मैंने पोलार्ड को अपनी टीम में रखा और आपको रखवाया, और अगर पोलार्ड आपकी टीम में था तो भाई आपको हराने वाला दूर दूर तक कोई नहीं होगा। और दोस्तों ऐसी ही जो विनिंग है वो हम कंटिन्यू रखेंगे, बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपने जो मैच के वीडियो एनालिसिस होते हैं वो आपको कभी भी मिस नहीं करना है, ये वीडियो भी आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें मैं वीडियो में बोलता हूं, जैसे कल मैंने सूर्य कुमार यादव के बारे में बोला था, जडेजा के बारे में बोला था, ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बोलता रहता हूं और वो ही छोटी छोटी बातें आपको जिताने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यार आज के आपको पता है कि आज जो है पूरे 2 मैच हैं, और डेली तो क्या होता है कि मैं आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक अलग से वीडियो लेके आता हूं, लेकिन आज मैं नहीं ला पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 मैच के 2 वीडियो मेरे को बनाने पड़ेंगे, और इसीलिए आज जो है मैं आपके लिए वापस लाइव आऊंगा, और वो लाइव सेशन आपको जरूर अटेंड करना है, क्योंकि उस लाइव सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे ही पोलार जैसे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो आज के मैच की दिशा पलटेंगे, ठीक है। वो लाइव सेशन में भी बताऊंगा, इस वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन लाइव सेशन आपको जरूर अटेंड करना है क्योंकि उसमें मैं आपको एकदम फेस टू फेस आराम से बताऊंगा। तो चलो यार इस मैच के सारे स्टेट्स और एनालिसिस जानते हैं, ठीक है, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आप मिस मत करना। सबसे पहले तो देखो ये वाला जो मैच है ये खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। अब इसमें एक अपडेट तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है अभी तक तो मतलब आप क्रिकेट से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। सनराइजर्स हैदराबाद के जो कैप्टन थे डेविड वॉर्नर वो बस थे, अब प्रेजेंट टेंस में जो है इनके जो कैप्टन है वो हो गए हैं केन विलियमसन, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि भाई डेविड वॉर्नर को थोड़ा रेस्ट दिया जाए। अब हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं बने डेविड वॉर्नर, और उनकी जेसन रॉय को मिल सकती है, ठीक है, वो हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वाला जो मैच है ये डे मैच होगा, मतलब कि दिन के अंदर खेला जाएगा, और ये वाला जो मैच है ये उस स्टेडियम में खेला जाएगा जहां पर भाई स्कोर बनाना काफी इजी हो रखा है अरुण जेटली स्टेडियम में। इसी स्टेडियम में जो है कल रात वाले मैच में सीएसके ने 200 प्लस का स्कोर किया, उसी को मुंबई इंडियंस ने तेज कर लिया, मतलब कि यहां पर जो पिच है वो आपको डेफिनेटली बैटिंग फ्रेंडली दिखेगा। छोटा सा मैदान है, जैसा कि आकाश चोपड़ा बोलते रहते हैं बार बार, छोटा सा मैदान है, बॉल आई मतलब कि बॉल सीमा रेखा के बाहर गई। और दोस्तों इसी छोटे से मैदान के चलते आपको एक बार वापस बैट्समैन को फेवर देखने को मिल जाएगा, और आराम से मैं बोल रहा हूं 170 से नीचे का रन अगर किसी ने बनाया मतलब कि वो टीम तो हार गई, 170 से ज्यादा का यहां पर स्कोर रहेगा ही रहेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे यार टीम्स के बारे में जो अपनी राजस्थान रॉयल्स है और सनराइजर्स हैदराबाद है उनके बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। देखो गिव अवे अपने जो इस वीडियो का है, देखो कल वाला जो गिव अवे था उसमें तो किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया था, क्योंकि यार मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं डेफिनेटली किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई सीएसके की तरफ से अंबाती रायडू जो है सबसे ज्यादा रन बना जाएंगे और मुंबई इंडियंस की तरफ से क्योरन पोलार्ड सबसे ज्यादा रन बना जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं यार, अपने वीडियो कहां जा रहे हैं, अपने तो डेली वीडियो आते हैं, डेली आपके लिए गिव अवे आते हैं। देखो इस गिव अवे जो सवाल है वो एकदम सेम है राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के वाला जो मैच है, आपको बताना है कि ये वाला जो मैच है ये कौन जीतेगा, साथ ही साथ आपको बताना है कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेगा, मतलब कि वो कौन सा बैट्समैन है जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा, और आपको बताना है सेम चीज कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेगा। अब ये जो हाईएस्ट रन स्कोरर है आपको उनके रन भी बता देने हैं कि कितने कितने रन ये जो बनाएंगे, ठीक है, ये आप 5 के डिफरेंस में बता सकते हो रन कि इतने इतने बना सकते हैं मेरे अंदाजे में। फॉर एग्जांपल मैं आपको जवाब के बता देता हूं, जैसे आपको बताना है कि सनराइजर्स हैदराबाद ये वाला मैच जीतेगी, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बटलर सबसे ज्यादा रन बनाएगा, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बेस्टो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और बटलर का जो स्कोर है वो 52-55 के समथिंग रहेगा, और बेस्टो का जो स्कोर है वो 62-65, ठीक है, ऐसे आप 5 के डिफरेंस में रन बना सकते हो, बस इतना सा आपको जवाब देना है, एकदम ईजी है। साथ ही साथ आप अनलिमिटेड कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो जवाब है वो एक कॉमेंट में ही आए, आप चाहे तो 10 करो चाहे 20 करो।
लेकिन यार इसके बारे में मैं आपको एक बार अवेयर जरूर कर देता हूँ कि ऑलरेडी यूट्यूब ने जो है बहुत सारे अकाउंट वो स्पैम करी है, क्योंकि जो लोग हैं वो अनलिमिटेड कमेंट करने के चक्कर में रेगुलर कमेंट करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रेगुलर कमेंट आप बिल्कुल नहीं करो। आपको वीडियो तो वैसे भी पूरा देखना ही है, तो एक काम करो, वीडियो को पहले 2-3 मिनट देखो, उसके बाद एक कमेंट करो, उसके बाद आगे 2-3 मिनट देखो, उसके बाद कमेंट करो, उसके बाद 2-3 मिनट देखो, उसके बाद कमेंट करो, ठीक है। ऐसे करोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि आप यूट्यूब पर जब टाइम स्पेंड करते हो ना, तो यूट्यूब आपके अकाउंट का कुछ ही नहीं करता और आपको कमेंट करना अलाउ होता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर गिव अवे जीतना है तो गिव अवे के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, और जो गिव अवे के रूल्स हैं वो एकदम सिंपल हैं अपने चैनल के लिए। सबसे पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आपको हमारे चैनल का एक सब्सक्राइबर होना ही पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो यार गिव अवे के जो प्राइस है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपका जो कमेंट है वो मैच स्टार्ट होने से पहले का होना चाहिए, यानी कि 3:30 बजे से पहले का कमेंट आपका होना चाहिए। तीसरी बात, आपका जो कमेंट है वो एडिटेड कमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मैच खत्म होने के बाद वापस आ रहे हो और अपना कमेंट एडिट कर रहे हो, अगर ऐसा है तो यार आपका कमेंट जो है वो गिव अवे में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और लास्ट जो रूल है वो एकदम सिंपल है कि आपके कमेंट में आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड नहीं करवानी है। ये आपकी ही सेफ्टी के लिए मैंने रूल ऐड किया है, नहीं तो आपको कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है और बोल सकता है कि मैं फैंटेसी सपोर्ट से बोल रहा हूँ या फिर मैं लाइव सपोर्ट से बोल रहा हूँ, ठीक है, और आपके साथ वो स्पैम कर सकता है। तो यार ऐसा बिल्कुल मत होने देना, अपने कमेंट में ये सब भी आपको प्रोवाइड नहीं करवाना है। अगर आप गिव अवे जीत जाते हो तो आपको हमारे चैनल की तरफ से एक रिप्लाई मिलेगा, जिसमें आपसे फोन पे, पेटीएम या गूगल पे नंबर मांग लिए जाएंगे। तो दोस्तों गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आपको तो सिर्फ तुक्का मारना है, अगर जीत जाते हो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यार एक बार टीम्स के बारे में, ठीक है। अब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है, सब चीज आपको एकदम ध्यान से सुननी है, ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद तो डेफिनेटली मैच में अच्छा परफॉर्म करके मेरे को आके थैंक्स भी बोलोगे। देखो सबसे पहली बात, राजस्थान रॉयल्स और SRH के बीच में मैच है, ये आपको पता है। इस सीजन में मतलब कि IPL 2021 के सीजन में दोनों टीम ने 6-6 मुकाबले ऑलरेडी खेल लिए हैं और दोनों ही टीम की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं रही है। राजस्थान रॉयल्स 6 में से 2 बार जीती है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 6 में से मात्र 1 बार जीती है। तो यार दोनों ही जो है आउट ऑफ फॉर्म है, दोनों ही टीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं यार IPL 2020 की, यानी कि पिछले सीजन की, तो दोनों टीम का आमना सामना हुआ था 2 बार, जिसमें से 1 बार जीत गई थी सनराइजर्स हैदराबाद और 1 बार जीत गई थी राजस्थान रॉयल्स, मतलब कि दोनों की टीम पहले भी बराबर परफॉर्म करती थी। अगर मैं बात करूं यार ओवरऑल की, तो इन दोनों टीम्स के बीच में ऑलरेडी 13 मैच हो चुके हैं IPL में, और IPL में 13 मैच होते हुए राजस्थान रॉयल्स ने जीता है 6 बार पारी, वहीं जीती है सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 बार पारी। तो यार देखा जाए तो दोनों ही टीम एक दूसरे की भाई हैं, ठीक है। एक बार तू जीत ले, एक बार मैं जीत लेती हूँ, एक बार तू जीत ले, एक बार मैं जीत लेती हूँ, ऐसा ऐसा सीन इनका रहता है। दोस्तों टीम की बात कर ही रहे हैं तो यार टीम के बारे में देखो, मैंने आपको एक जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो कैप्टनसी है वो चेंज हो गई है, केन विलियमसन अब कैप्टनसी आपको करते हुए दिख जाएंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं तो यार मेरे को नहीं लगता कि डेविड वॉर्नर इस बार प्लेइंग 11 में भी जगह बना पाएंगे, और डेविड वॉर्नर की जगह अगर किसी को उतारना है तो जेसन रॉय जो है इनकी जगह खेल सकते हैं ओपनिंग के रूप में, या फिर और कोई भी ओवरसीज प्लेयर को ये खिला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि जेसन रॉय को ही खिलाएंगे, क्योंकि यार एक बैट्समैन को हटा रहे हैं तो एक बैट्समैन इन्हें लाना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह वीडियो की स्टेप्स बता देता हूं। देखो आगे वीडियो में सबसे पहले अब मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 दिखाऊंगा कि कौन से वो 22 खिलाड़ी हैं जो आपको इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, साथ ही साथ उनकी मैं रिसेंट परफॉर्मेंस बताऊंगा, रिसेंट फॉर्म बताऊंगा कि वो 22 खिलाड़ी अभी कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अभी किस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे प्लेयर बैटल भी बताऊंगा जो आपको काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, है ना, और इन प्लेयर बैटल ही जो वो चीज है जो आपका मैच पलट सकती है। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर भी बताए जाएंगे इस मैच के लिए और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताई जाएंगी। लास्ट में मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाके अपने ड्रीम 11 अकाउंट पे आपको डेमो टीम्स बना के दिखा दूंगा इस मैच की, और डेमो टीम्स मैं इसलिए बोल रहा हूं यार क्योंकि टॉस होने तक अपनी टीम में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पोलार्ड का पिछले मैच में हुआ था, वो टॉस होने के बाद ही चेंज हुआ था, क्योंकि मेरे को पता था कि अब पोलार्ड परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसको देखो पिछले मैच में भी ऊपर प्रमोट किया गया था, इसमें भी किया गया और वो मेरे को लगी गया था। साथ ही साथ टॉस के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर मुंबई इंडियंस जो है नहीं जीतती टॉस तो फिर जो है मैं एक काम करता कि पोलार्ड को अपनी टीम में नहीं रखता, क्योंकि यार डेफिनेटली चेस किया है मुंबई इंडियंस ने तभी पोलार्ड अच्छी फॉर्म में आए, तो वो सारे टॉस के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए टॉस के बाद अपनी जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो यार आपका मोस्ट वेलकम है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखी है। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी 1,89,000 के समथिंग लोग हमसे जुड़े हुए हैं और डेली हमारी टीम्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छे तरीके से विन कर रहे हैं, रेगुलरली बेसिस पे विन कर रहे हैं। अगर यार आप उनमें से नहीं हो तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, आपका मोस्ट वेलकम है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखो, ये है अपनी राजस्थान रॉयल्स की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस, और ये है दोस्तों अपने सनराइजर्स हैदराबाद की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें मेरे को आपको कुछ प्लेयर्स के बारे में स्पेशल बातें भी बतानी है, लाइक जोनी बेस्ट और जोस बटलर, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले यार अगर हम बात करें यशस्वी जयसवाल की, तो यशस्वी जयसवाल जो है आईपीएल 2020 के सीजन में तो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिखे थे और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी इनमें नहीं था, लेकिन यार आईपीएल 2021 के सीजन में ये वापस कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं और दोनों ही मैच में अच्छी पारी अपनी टीम को खेल के दी है। अच्छी भी नहीं तो एवरेज पारी तो मैं जरूर कहूंगा और लो क्रेडिट में यशस्वी जयसवाल आपके लिए बहुत शानदार पिक हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यार जोस बटलर की, तो जोस बटलर का कुछ ऐसा सीन है कि पिछले 5 में से 3 बार तो इनका खाता जो है 10 के ऊपर भी नहीं गया है, वहीं बाकी 2 मैच में इनका खाता 40 प्लस गया है लेकिन 50 अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो जोस बटलर को अगर आप अपनी टीम में रखना चाहो तो रख लेना, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया भाई जोस बटलर के बारे में मेरे को आपको कुछ स्पेशल बात बतानी है। तो यार जब स्पेशल बात बतानी ही है तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मैं आपको जोस बटलर के बारे में कुछ स्पेशल बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यार मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आपने इतना वीडियो देख लिया डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है और लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट आपके लिए है 5000 लाइक्स का इस वीडियो पर। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारा चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 7 दिन तक ओनली 7 डेज चैनल 7 डेज चैलेंज आपको दूंगा। अगर आपने 7 दिन तक हमारे सारे वीडियोस देखते हुए हमारी टीम्स फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ऐसी गारंटी आपको और कोई नहीं देगा, सिर्फ मैं दे रहा हूं क्योंकि मेरे को खुद पर भरोसा है, मेरे को खुद को नॉलेज पर भरोसा है। तो यार देर मत करो, वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो। अब बात करते हैं यार हम जोस बटलर के बारे में कि भाई बटलर के बारे में आपको क्या बताना था ऐसा जो यार थोड़ी वेट भी नहीं कर सकता, और बटलर जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बैट्समैन है और इस मैच के लिए क्या कैसी परफॉर्म आपको करके देंगे। तो देखो यार बटलर इंपॉर्टेंट तो है, पिछले 5 मैच में से 2 बार इनका 40 प्लस स्कोर भी गया है, हालांकि 3 बार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट ये वाला मैच है, तो सनराइजर्स के अगेंस्ट बटलर का क्या परफॉर्म रहा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो यार जो 8 मैच बटलर ने खेले हैं सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, उन 8 मैच में सारे रन मिला के इन्होंने बनाए हैं मात्र और मात्र 73 रन, 8 मैच में 73 रन, जिनमें इनका अगर आप एवरेज निकालो तो 9 रन पर मैच के समथिंग आता है। ठीक है, 9 रन हर मैच में, सिर्फ 9 रन बनाते हैं बटलर सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। अब ऐसा जो प्लेयर है ना, एक पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट जो बंदा नहीं चलता उसका तो मैं क्या ही बताऊं, और ऐसा नहीं है ना कि यार एक मैच में फ्लॉप हो गया, 2 मैच में हो गया, 3 में हो गया, रेगुलर 8 मैच में फ्लॉप हुआ है ये बंदा सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, तो एक बार आप इसे अपनी टीम में रखने से पहले सोचना जरूर। मैं नहीं कह रहा कि अपनी स्मॉल लीग की टीम से ड्रॉप कर दो बटलर को, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन वही बात हो गई कि ग्रैंड लीग की अगर आप टीम बना रहे हो तो 11 टीम में से आप बिल्कुल अपनी 6 टीम से बटलर को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब मैं लाइव आऊंगा आज, तो लाइव सेशन आपको जरूर अटेंड कर लेना है। और तो और दोस्तों बटलर की जो स्ट्राइक रेट है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट वो भी काफी गलत रहती है, 94.8 के समथिंग की इनकी स्ट्राइक रेट रहती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के अगेंस्ट, जो कि काफी कम है यार T20 के हिसाब से देखें। बाकी बटलर जैसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट जो है वो 150 से डाउन की आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसी टीम है जिन्होंने बटलर का मुंह तो कम से कम बंद कर रखा है। दोस्तों बात करेंगे यार सैमसन की, तो अगर जस्ट सपोज बटलर हमेशा की तरह एक बार वापस सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के अगेंस्ट फेल हो जाते हैं तो कप्तान संजू के ऊपर भार ज्यादा पड़ जाता है और उन्हें कप्तानी पारी खेलने को मजबूर हो जाना पड़ता है। अभी तक आईपीएल के मैचेज में जो 6 मैच संजू सैमसन ने खेले हैं, 6 में से 3 बार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है और पिछले 2 मैच से रेगुलरली ये बंदा अच्छी परफॉर्म अपनी टीम को करके दे रहा है, इसलिए संजू सैमसन आपके लिए वापस एक बार अच्छे पिक साबित हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं डेविड मिलर की, तो यार इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन आता है इसलिए इनको ज्यादा बॉल फेस करने का मौका नहीं दिया जाता। ठीक है, पिछले 2 मैच में भी आपने देखा होगा अपनी पारी तो इन्होंने खेली नाबाद रहे, नाबाद रहने का मतलब है कि ज्यादा बॉल खेलने का मौका इन्हें नहीं मिला और इसीलिए हो सकता है कि मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम से डेविड मिलर को दूर रखूं। वहीं अगर मैं बात करूं शिवम दुबे को, तो शिवम दुबे शायद नंबर 4 पर बैटिंग करने आ जाते हैं और पिछले कुछ मैच से अच्छी परफॉर्मेंस अपनी टीम को करके दे रहे हैं, इसलिए अगर आप चाहो तो शिवम दुबे को अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हो और ये शायद पहली बार होगा कि मैं शिवम दुबे को अपनी टीम में रखूंगा। वहीं बात करूं यार रियान पराग की, तो रियान पराग को डेफिनेटली मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा, इनका भी कुछ हाल डेविड मिलर जैसा ही है लेकिन इनका तो हाल और भी खराब है क्योंकि इनकी तो बैटिंग और भी नीचे आती है और बॉलिंग के साथ भी इनको मौका ज्यादा नहीं मिलता। वहीं अगर मैं बात करूं यार टेवटिया की, तो टेवटिया बॉलिंग के साथ तो रेगुलरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हो 1 विकेट इनका पिछले 5 मैच में बॉलिंग के साथ आया लेकिन बैटिंग के साथ भी कुछ ही नहीं है यार, बैटिंग आने के तो चांसेज ही नहीं होते इनके, तो टेवटिया को भी डेफिनेटली मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा, ये तो डन है। ठीक है, ये भी डन है। अब
बाकी जिन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, जब मैं आपको अपनी डेमो टीम बना के दिखाऊंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। क्रिस मॉरिस को डेफिनेटली हम अपनी टीम में रखेंगे, पिछले दो मैच से बंदा बॉलिंग के साथ काफी ज्यादा कमाल कर रहा है, पिछले दो मैच से 6 विकेट अपनी टीम का नाम कर चुका है, और अगर बैटिंग करने का मौका मिला तो यार बैटिंग में भी ये बंदा खुद को प्रूव करना जानता है। वहीं अगर मैं बात करूं जयदेव की, तो जयदेव की यार कुछ ऐसा सीन है कि पिछले दो मैच से तो अच्छी परफॉर्मेंस इनकी कुछ खास आ नहीं रही है, लेकिन मैं आपको हो सकेगा तो एक जो है प्लेयर बैटल आपको जरूर बताऊंगा जिसमें जयदेव उनाडकर जो है एक रोल अदा करेंगे, वो आपको प्लेयर बैटल जरूर में ध्यान रखना है। चेतन साकरिया ने बहुत इंप्रेस किया है, लेकिन पिछले 5 मैच में से 3 मैच इनके विकेट लेस गए हैं। अब यार ये देखते हुए अगर आप चेतन साकरिया को अपनी टीम से ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-3 विकेट वाली पारी जो है एक दो ही आई थी चेतन साकरिया की, आई डोंट थिंक कि अब 3 विकेट लेने की जो कैपेबिलिटी है इनकी रही है, क्योंकि ऑलरेडी आधा आईपीएल निकल चुका है, सारी टीम जान चुकी है कि चेतन साकरिया कैसी बॉलिंग करते हैं। मुस्तफिज की अगर मैं बात करूं तो ये बंदा एक ऐसा है जो पिछले 5 मैच में से मात्र एक बार विकेट लेस गया है, बस यही तो बात है यार, राजस्थान के पास अच्छी बॉलिंग यूनिट नहीं है, नहीं तो राजस्थान भी अच्छी टीम है। अगर राजस्थान के जो प्लेयर हैं वो अपनी टीम में रुक जाते हैं, बेन स्टोक्स और लिविंगस्टन है ना, ये अगर टीम छोड़ के नहीं जाते, जोफ्रा आर्चर अगर एकदम फिट होते हैं तो फिर राजस्थान भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती थी। वहीं अगर मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की, तो जैसा मैंने आपको बताया डेविड वॉर्नर की कैप्टनसी हटा दी गई है, और मेरे को शक है कि उनको प्लेइंग 11 में भी इस बार जगह दी जाएगी, और उनकी जगह जो है जेसन रॉय एकदम अच्छे तरीके से आ सकते हैं वापस, मैक्सिमम चांसेस जेसन रॉय के ही आने के हैं, और अगर जेसन रॉय आते हैं तो मैं अपनी टीम में 100% जो है सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि जेसन रॉय पहली बात तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस सीजन का डेब्यूट मारेंगे, और दूसरी बात यार खुद की जो पोजीशन है ना वो होल्ड करना चाहेंगे, इसलिए इन्हें एक अच्छी पारी खेलनी ही पड़ेगी। जॉनी बेस्टो की अगर मैं बात करूं तो यार सनराइजर्स हैदराबाद के वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन में से एक जॉनी बेस्टो, पिछले 5 में से 2 पारियां इनकी अच्छी नहीं गई, लेकिन जो पारियों में इन्हें अच्छा स्टार्ट मिला उसे बड़ी पारी में भी कन्वर्ट करना जॉनी बेस्टो को आता है, इसलिए जॉनी बेस्टो डेफिनेटली अपनी टीम में रहेंगे। केन विलियमसन को तो भाई कोई शक ही नहीं है, इनको तो अपनी टीम में रखना ही रखना है, पिछले 3 मैच खेले, 3 में से एक बार भी ये बंदा आउट नहीं हुआ, और अगर ऐसे मान लो इन्हें अच्छे से बॉल फेस करने का मौका मिल गया, मतलब कि ज्यादा बॉल फेस करने का मौका मिल गया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं यार भाई ये बंदा आपके लिए कामगार साबित हो सकता है, और ये ही बात है जो इन्हें आपके लिए एक अच्छा कैप्टन या वाइस कैप्टन का भी ऑप्शन बनाती है। वहीं अगर मैं बात करूं यार मनीष पांडे की, तो मनीष पांडे का कुछ ऐसा सीन है कि 2 मैच खिलाए, फिर इनकी स्ट्राइक रेट के चलते इन्हें मैच से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन फिर सनराइजर्स हैदराबाद के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, तो इन्हें वापस अपनी टीम में बुलाया, और आते ही इन्होंने काफी शानदार नोक खेला, इसलिए मनीष पांडे भी आपके लिए इस मैच में रहने वाले हैं एक अच्छे पिक। लेकिन मैं आपको एक प्लेयर बैटल जरूर बताऊंगा जो मनीष पांडे को इंक्लूड करेगा, वो प्लेयर बैटल आपको अपने दिमाग में जरूर रखना है। बात आ जाती है केदार जाधव की, तो डेफिनेटली मैं अपनी स्मॉली की टीम से इनसे दूरी बनाऊंगा, विजय शंकर डेफिनेटली दूरी बनाऊंगा, संदीप शर्मा को अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको ऊपर बोला कुछ कि संजू सैमसन आपके लिए एक अच्छी पिक है, डेफिनेटली अच्छी पिक है, लेकिन मैं आपको कुछ प्लेयर बैटल बताऊंगा जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो वो प्लेयर बैटल आपको जरूर अपने दिमाग में रखना है। मैं वापस प्लेयर बैटल वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा हूं, आपको पता लगना चाहिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है। राशिद खान को डेफिनेटली मैं अपनी टीम में पिक करूंगा, इन्हें तो अपनी टीम से ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं है, खास करके स्मॉली की टीम से। वहीं अगर मैं बात करूं सुचित, तो इन्हें आप ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, 2 मैच में इन्हें खिलाया गया, एक भी विकेट अपनी टीम के नाम नहीं किया। सिद्धार्थ कोल का भी कुछ ऐसा ही सीन है, 3 मैच में अभी खेले हैं, 3 मैच में से 3 विकेट अपनी टीम के नाम किए हैं, और हो सकता है आपको विकेट ले भी दें, लेकिन ऐसी कोई एक्सेप्शनल पारी सिद्धार्थ कोल से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। खलील अहमद ने पिछले 4 मैच में 4 विकेट लिए हैं, अब देखा जाए तो अगर खान साहब को अगर हम हटा दें तो दोनों ही टीम का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा खराब है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यार कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल्स की, और उम्मीद कीजिए ये प्लेयर बैटल जो है आपको अपनी टीम बनाने में काफी हेल्प करेंगे, खास करके अपनी स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की दोनों टीम बनाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। प्लेयर बैटल की बात करेंगे यार, लेकिन यार उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, लाइक टारगेट 5000 लाइक्स का है। चलो यार प्लेयर बैटल की बात करते हैं। देखो सबसे पहला जो प्लेयर बैटल है वो सैमसन को इंक्लूड करता है। सैमसन को क्यों करता है, मैंने आपको बोला कि सैमसन कप्तानी पारी खेल सकते हैं, लेकिन इनको कुछ लोग हैं जो परेशान करते हैं। सबसे पहले तो खान साहब इनको जो है बहुत ज्यादा परेशान करते हुए नजर आए हैं। देखो प्लेयर बैटल के बारे में भी बात कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपने हमारा 7 डेज का जो चैलेंज है वो लिया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, 7 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। चलो सैमसन वर्सेज राशिद का क्या सीन है। सैमसन ने राशिद खान की खेली अराउंड 53 बॉल्स, जिसमें संजू सैमसन ने बनाए अराउंड 44 रन। अब इसका क्या मतलब है, देखो आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी अगर आपको रैंक अच्छी लानी है, ठीक है। 53 बॉल खेलते हुए 44 रन बनाए, मतलब कि स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से नीचे की है। अब स्ट्राइक रेट 100 से नीचे की किसके सामने आप खेलोगे,
जिनके सामने आपकी आपको उनकी बॉलिंग समझ में नहीं आ रही है ना, उसी के सामने आप संभल संभल के खेलोगे। मतलब कि सैमसन को जो है राशिद की जो बॉलिंग है वो थोड़ी हार्ड लगती है, समझ में नहीं आती है, इसलिए संभाल संभाल के इनको खेलते हैं। और उसी संभला संभली में एक बार अपना विकेट भी राशिद खान को गंवा चुके हैं संजू सैमसन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बोला था कि यार एक और प्लेयर बैटल में आपको बताऊंगा सैमसन से रिलेटेड ही, तो सिर्फ राशिद खान ही ऐसे जो है बॉलर नहीं है जो संजू सैमसन को परेशान करते हैं। एक और है जिनका नाम है संदीप शर्मा, और वो भी संजू सैमसन को काफी ज्यादा परेशान करते हुए नजर आए हैं। कितना ज्यादा मैं आपको बताता हूं, 50 बॉल संजू सैमसन ने संदीप शर्मा के खेली जिसमें इन्होंने बनाए हैं अराउंड 49 रन, मतलब कि 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट तो यहां पर भी है। मतलब कि संदीप शर्मा की बॉल भी संजू सैमसन को परेशान करती है, और उसी परेशानी के चलते दो बार अपना विकेट संजू सैमसन ने संदीप शर्मा को भी गंवाया है। तो ये बात ध्यान रखना, सैमसन एक अच्छे बैट्समैन जरूर है, पिछले दो मैच से अच्छी पारियां जरूर खेल रहे हैं, लेकिन दो दो ऐसे बॉलर हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में जो सैमसन को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि उन्नटकट से रिलेटेड भी मैं आपको एक प्लेयर बैटल बताऊंगा, तो अब टाइम आ गया उस प्लेयर बैटल का जो इंक्लूड करता है एक तो मनीष पांडे को, और उसी प्लेयर बैटल में इंक्लूड होते हैं जयदेव उन्नटकट। देखो यार बात यह है कि उन्नटकट ने जो है पांडे को यानी कि मनीष पांडे को थोड़ा सा शांत रखा है टीम में, ज्यादा हल्ला गुल्ला इन्हें नहीं करने दिया है। अब कितना शांत रखा है वो बातें कर लेते हैं। देखो 29 बॉल जो मनीष पांडे ने खेली उसमें बनाए हैं मात्र 28 रन, मतलब कि 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट, मतलब कि बॉल उन्नटकट की जो है पांडे को भी परेशान करती है, और मात्र 29 बॉल में इन्होंने दो बार अपना विकेट दे दिया है मनीष पांडे ने जयदेव उन्नटकट को। इसलिए एक चांस ऐसा बनता है कि उन्नटकट वापस एक बार आपको पांडे को परेशान करते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों एक प्लेयर बैटल और है लेकिन वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, वो इंक्लूड करता है डेविड मिलर को, और वो इंक्लूड करता है राशिद खान यानी कि खान साहब को, ठीक है। 21 बॉल 33 रन और दो बार आउट, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी मिलर को अपनी टीम में हम शायद ही रखेंगे इसलिए मैं बोल। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यह रहा अपना राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होने वाला वीवो आईपीएल का मैच, यार जिसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है उस हिसाब से आप अपनी टीम बना तो सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अभी डेमो टीम भी बना के दिखाऊंगा, और फिर शाम को जब टॉस हो जाएगा उसके बाद आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ, और फिर डेली की तरह हम यहाँ पर विन कर रहे हैं आप भी करो। फटाफट मैं आपको यहाँ पर चेंजेस बता देता हूँ, और फिर दबा के हम लोग यहाँ पर सब साथ में मिलके यहाँ पर मस्त एकदम विनिंग करते हैं। आपका भी मोस्ट वेलकम है, आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। जैसा आप देख पा रहे हो हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी 189,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। फटाफट आ जाओ, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम दोस्तों वीडियो में आगे बात करेंगे टीम्स की, कि कैसे आपको टीम बनानी है, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वो कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर लेना, बाकी फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर मैं बता ही दूंगा। तो देखो यार विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास कितने चॉइसेज हैं, विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास जॉनी बेस्टो एक चॉइस है, जोस बटलर एक चॉइस है, संजू सैमसन एक चॉइस है, तो ले दे के आपके पास तीन चॉइस है, जिनमें से किसे अपनी टीम में रखना है किसे अपनी टीम में नहीं रखना है वो हम डिसाइड करते हैं। तो देखो यार अब बात कर रहे हैं हम अपनी टीम की, तो देखो बेस्टो के साथ तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते अपनी टीम में, तो बेस्टो को तो अपनी टीम में रखना ही रखना है, और किसे रखना ही रखना है, जोस बटलर को रखना ही रखना है क्या, नहीं यार ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसका जो रिकॉर्ड है वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के अगेंस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो हो सकता है हम इन्हें अपनी टीम से ड्रॉप भी कर दें। संजू सैमसन को रखना ही रखना है क्या, यार ज़रूरी तो ऐसा भी कुछ ही नहीं है, इनको जो है बहुत सारे बॉलर हैं सनराइजर्स हैदराबाद में जो इन्हें परेशान करते हैं, है ना, खान साहब इन्हें परेशान करते हैं, संदीप शर्मा इन्हें परेशान करते हैं, और हो सकता है कोई ना कोई इनका जो है विकेट ले जाए, तो यार इन दोनों को ही अगर आप अपनी टीम में नहीं रखोगे तो फिर तो राजस्थान के बैट्समैन ही नहीं रहेंगे। मैं नहीं कह रहा कि इन दोनों को ही हम अपनी टीम में नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे यार, चिंता नहीं करनी, ये दोनों बड़े प्लेयर हैं, हम इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे इनके बारे में बाद में। देखो बैट्समैन सेक्शन में हम बात करेंगे तो डेविड वॉर्नर के खेलने के चांसेस तो ऑलरेडी कम है, मनीष पांडे को भी ऐसे तो खतरा है ही है उन्नटकट से, लेकिन फिर भी एक बार में मनीष पांडे को अपनी टीम में उठा लूँगा। केन विलियमसन को तो ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, ये तो मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ, और वैसे ही यशस्वी जायसवाल को भी मैं अपनी टीम में पिक करूँगा, ठीक है। और डेविड मिलर को अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, मैं तो नहीं चाह रहा, और न ही मैं रयान पराग और केदार जाधव के बारे में कुछ ऐसा चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में आए
क्रिस मोरिस को तो अपनी टीम में रखना ही रखना है, ये तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, नीचे और कौन है, टेवटिया, इसके बारे में तो मैंने आपको साफ मना कर दिया कि अपनी टीम में नहीं रखूंगा। विजय शंकर के बारे में भी साफ मना कर दिया कि इनको अपनी टीम में नहीं रखूंगा। शिवम दुबे ऑन द अदर हैंड नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, ठीक ठीक बैटिंग कर रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए दे रहे हैं, तो इन्हें अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो। और जहाँ पर बात आ गई चाहो वाली, तो उनको हम बाद में ही कवर करेंगे। बॉलिंग सेक्शन में आए, खान साहब को अपनी टीम में रखना ही रखना है, इनमें कोई दो राय नहीं है। फिर नीचे से उनटकट हैं, संदीप शर्मा हैं, मुस्तफिज़ रहमान है, चेतन साकरिया हैं और सिद्धार्थ कौल है। जय सुचित को तो डेफिनेटली अपनी टीम में नहीं रख रहा। खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल में भी से भी शायद ही मैं अपनी टीम में किसी को रखूँगा। अब तक तो मैं इसलिए रख रहा था अपनी टीम में क्योंकि अपने को क्रेडिट का इशू था। अब जहाँ डेविड वॉर्नर के खेलने के चांसेज कम हो गए 10.5 क्रेडिट के हैं, तो फिर क्रेडिट का इशू नहीं आएगा। ऑफकोर्स यार डेविड वॉर्नर नहीं खेलेगा तो जेसन रॉय आएंगे ना, तो जेसन रॉय को अपनी टीम में रखेंगे। ठीक है, तो ये करके हमने 7 प्लेयर तो ऑलरेडी अपनी टीम में उठा लिए। अब थोड़ा रिकॉल करना शुरू कर दो कुछ बातों को, कि पहली बात तो ये मैच कहाँ पर है, ये है अरुण जेटली स्टेडियम में, मतलब कि बैटिंग फ्रेंडली पिच, मतलब कि बैट्समैन आपके पास होने चाहिए भर भर के। और बैट्समैन मेरे पास हैं क्या भर भर के? बिल्कुल हैं भाई, अभी तो और उठाने बाकी हैं, चिंता मत करो, है ना। चलो ठीक है, तो बाकी के प्लेयर्स हम उठाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो कि मैंने इस वीडियो पर लाइक टारगेट 5000 लाइक्स का रखा है। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है, वापस बोल रहा हूँ, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को वो जो लाल वाला बटन है ना उसको फटाफट से दबाओ, साथ ही में घंटे का आइकन दबाओ, आपको नोटिफिकेशन झट से आएगा और आपकी विनिंग फटाफट होने लग जाएगी। तो दोस्तों देखो, अभी तक हमने जो है टोटल 7 प्लेयर्स अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिए हैं, अपने को 4 प्लेयर्स और अपनी टीम में सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन अपने को यही है कि बाकी के दो बॉलर हम रखें किसे। भुवनेश्वर कुमार के तो खेलने के चांसेज कम हैं क्योंकि ये तो इंजर्ड हैं। देखो अपने पास ऑप्शन कितने हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। उनटकट एक ऑप्शन है, संदीप शर्मा एक ऑप्शन है, मुस्तफिज़ एक ऑप्शन है, साकरिया एक ऑप्शन है, सिद्धार्थ कौल एक ऑप्शन है, और ये कितने हो गए, 5 ऑप्शन हो गए। नीचे से जय सुचित और खलील अहमद, टोटल 7 ऑप्शन हैं जिनमें से कोई दो प्लेयर अपने को सिलेक्ट करने हैं। तो यार मैं तो चाहूँगा कि किन्हीं बेस्ट को ही अपने टीम में रखूँ। जयदेव उनटकट पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है और प्लेयर बैटल भी सिर्फ एक ही है, और अगर मनीष पांडे ने इनको सही से निकाल दिया तो फिर वही बात है कि जयदेव उनटकट के जो विकेट लेने के चांसेस है वो कम है। संदीप शर्मा ने पिछले मैच में ठीक ठीक बॉलिंग की लेकिन विकेट नहीं चटका पाए, और इस बार भी इनके कह सकता हूँ कि चांसेज कम है। हालांकि अच्छे बॉलर हैं संदीप शर्मा, लेकिन क्या पता विकेट लें कि नहीं लें। मुस्तफिज़ जो हैं एक ऐसे बॉलर हैं जिन पर थोड़ा सा भरोसा दिखाया जा सकता है, इनको हालांकि 37% ही लोग सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी बॉल से जो है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन अगर आपको सेफ ऑप्शन चाहिए तो आप मुस्तफिज़ के साथ जा सकते हो। चेतन साकरिया भी जो हैं कुछ मैचों से थोड़े ढीले पड़ गए हैं। सिद्धार्थ कौल और जय सुचित और खलील अहमद, इन तीनों के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर कोई दो मेरे को बॉलर रखने हैं तो मैं संदीप शर्मा या मुस्तफिज़ के साथ चला जाऊँगा, या फिर मैंने ऊपर से ऐसा रद्द कर रखा है तो संदीप शर्मा या फिर चेतन साकरिया के साथ चला जाऊँगा, है ना। कुछ ऐसे में अपने 3 बॉलर कंप्लीट करूँगा और बॉलर में 3 से ज़्यादा रखूँगा भी नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि बॉलर में 3 से ज़्यादा अपनी टीम में क्यों नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि ये जो पिच है अरुण जेटली स्टेडियम का, ये बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलर्स की यहाँ पर धुनाई होती है, बॉलर की इकोनॉमी रेट 10 से ऊपर जाते ही वो फालतू में माइनस करवाएगा, इसलिए बॉलर अपनी टीम में कम ही रखें तो अच्छा है। अब देखो बाकी के जो 2 प्लेयर हमको अपनी टीम में सेलेक्ट करने हैं वो कौन से होने चाहिए, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से हम किन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो शिवम दुबे को एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बैट्समैन सेक्शन से किसे कर सकते हैं, डेविड मिलर को कर सकते हैं, और तो कोई चांसेज ही नहीं है। और विकेट कीपर सेक्शन से हम इन दोनों को कर सकते हैं, जोस बटलर और संजू सैमसन। अगर आपको सेफ खेलना है तो इन दोनों को ही करो और किसी के साथ मत जाओ, ये आपकी एक टीम हो सकती है। दूसरी, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो जोस बटलर को ड्रॉप करो और इधर से शिवम दुबे को अपनी टीम में पिक कर लो, ये अपनी दूसरी टीम हो सकती है। ठीक है, बस ये 2 ही आई थिंक कि इनमें कॉम्बिनेशन बनेंगे, और ज़्यादा कॉम्बिनेशन आई डोंट थिंक कि इसमें बन पाएंगे। डेविड मिलर के साथ आप ज़रूर जाना चाहो तो जा सकते हो, किसी एक को ड्रॉप करके, लाइक शिवम दुबे को ड्रॉप करके या फिर उधर से संजू सैमसन को ड्रॉप करके। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ इस वीडियो में तो कम से कम हम सेफ टीम बनाते हैं, बाकी जो रिस्क लेने होंगे, जो अच्छी टीम बनेगी वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। स्टेट्स और एनालिसिस का आप ज़रूर यूज़ करना अपनी टीम बनाने में, फाइनल टीम बनाने में, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट होगा वो आप ही की टीम करवाएगी। अब बात कर लेते हैं एक बार कैप्टन और वाइस कैप्टन के चॉइसेज के बारे में।
तो यार कैप्टन और वाइस कैप्टन के चॉइसेस मेरे को तो कुछ ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहे हैं। गिने चुने कैप्टन और वाइस कैप्टन के चॉइसेज मेरे को इस मैच में दिख रहे हैं, लाइक केन विलियमसन, जोनी बेस्टो और संजू सैमसन के साथ अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो यार, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों, लेकिन इन दोनों को ही अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने का मन थोड़ा कम कर रहा है, संजू सैमसन और जोस बटलर। हालांकि बहुत सारे लोग करेंगे और आप भी करना चाहो तो कर सकते हो, देखो मेरी तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए थोड़ा सेफ जाने की वजह से मैं कर रहा हूँ केन विलियमसन को अपना कैप्टन और जोनी बेस्टो को अपना वाइस कैप्टन, या फिर वाइस वर्सा, जोनी बेस्टो को कैप्टन और केन विलियमसन को वाइस कैप्टन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, लाइव सेशन अटेंड कर लेना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।